हेलो गाइस वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूं जो आपका लाने की दो अप्रैल दो अप्रैल 2024 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो आप उसमें अच्छे से एंट्री कर सकते हो तो उससे पहले आपने क्या करेंगे कल संडे को जो स्विंग ट्रेड लिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं पहला स्टॉक था अदानी पोर्ट्स जो क्लियर कट बोला था तेरह के ऊपर बाय था तो तेरह आज तेरह तक भी गया था अभी क्लोजिंग तेरह के आसपास है तो वो रनिंग है दूसरा स्टॉक था यूपीएल सत्रह के ऊपर बाय बोला था सत्रह अभी चल रहा है स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अभी भी रनिंग है क्योंकि अपने इंट्रा नहीं होता अपने लंबे टारगेट होते इसलिए आपको एक से दो दिन तीन तीन होल्ड करके रखना पड़ेगा कैरेसिल एक ऐसा स्टॉक है जो एक के ऊपर बाय बोला था उसके बाद स्टॉक ने अच्छा हाई भी मारा एक हजार तक भी गया था लेकिन क्लोजिंग एक हजार पे दिया लेकिन स्टॉप लॉस हुआ नहीं इसलिए रनिंग है साइंट जो क्लियर कट बोला था कि अपने को कब बाय करना था उसको लेवल में आपको बता देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे तो साइंट क्लियर कट बोला था दो हजार तीस के ऊपर बाय करना था आज का साइंट का हाई देखोगे तो दो था पांच पैसे से रह गए अगर पांच पैसे दो का भी हाई हो जाता तो भी अपना कॉल नहीं एक्टिव होता मैंने क्या बोला है बाय अब दो यानी कि कम से कम दस पैसा भी ऊपर जाना चाहिए यानी कि दो हजार तीस अगर आ, हाई होता तो अपना कॉल एक्टिव होता लेकिन यहाँ पे कॉल एक्टिव नहीं हुआ वो आपको ध्यान में रखना है और पांचवा स्टॉक का एस कार्ड बाय और डिप बोला था लेकिन स्टॉक नीचे आया नहीं इसलिए वो भी नॉट एक्टिव हो गया तो ये हो गया अपना कल का परफॉर्मेंस अभी आपने देखेंगे दो तारीख के चार स्टॉक जिसमें अच्छी रैली आ सकती है तो उसमें पहला स्टॉक का नाम रह गया बर्जर पेंट बर्जर पेंट में क्या हो सकता है यहाँ पे देखोगे तो एक घंटे के कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो एक घंटे में स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था सपोर्ट ले रहा था सपोर्ट उसका ब्रेकडाउन हो गया तो अभी क्या हो गया ये सप्लाई जोन हो गया उसके बाद फिर से ऊपर रिजेक्शन उसके बाद यहाँ पे भी रिजेक्शन फाइनली ब्रेकआउट देखे स्टॉक ऊपर गया तो इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे तो आपका जो भी सप्लाई जोन था यहाँ पे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया है तो स्टॉक यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है क्यों बाउंस बैक आ सकता है नीचे से देखोगे तो ट्रेल लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है बाय ऑन डिप डिथ एडीएक्स भी है यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू पच्चीस के ऊपर है विलियम सर की वैल्यू माइनस अस्सी के नीचे आई हुई है तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक में यहाँ से ऊपर की साइड अच्छी रैली आए क्योंकि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करेगा ये रिवर्सल पॉइंट है तो अभी कितना फाइव सिक्स के आसपास है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है आपका कॉल एक्टिव होता है फाइव सेवनटी वन के ऊपर दस पैसा भी जाना चाहिए यानी कि फाइव वन पॉइंट टेन पैसा मारेगा हाई तभी तो अपना कॉल एक्टिव होगा तो जैसे कॉल एक्टिव होता है तो फाइव सिक्सटी फाइव का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अप साइड में टारगेट आराम से 585 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है एक से तीन दिन में क्योंकि यहाँ पे बायो डिफी एडीएक्स भी साथ दे रहा है यहाँ पे डिमांड जोन भी साथ दे रहा है और नीचे से ट्रेंड लाइन भी साथ दे रहा है तो बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड स्टॉक में आ सकती है स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट जो एक घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस किया अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्री प्राज इंडस्ट्री आपको पता होगा आपने थर्सडे थर्सडे को भी दिया था क्लियर कट बोला था पांच के आसपास आपको कॉल एक्टिव था यहाँ पे थर्सडे को देखोगे तो लो कितना मारा था पांच का अपना स्टॉप लॉस था पांच का तो अगर किसी ने नहीं बाय किया तो फिर से बाय कर सकते हैं स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्री डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे स्टॉक के यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट ले रहा था सपोर्ट उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो अभी ये रिजेक्शन का, का काम करेगा जो भी उसका डिमांड जोन था यहाँ पे सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे फिर से इसने ब्रेकआउट दे के फिर से क्या हो गया उसका जो भी सप्लाई जोन था फिर से डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया तो ये चलता रहता है अभी यहाँ पे स्टॉक डिमांड जोन लेके फिर से ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है और ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस पांच का रहेगा तो अभी फाइव के आसपास है तो लुक्स गुड ऑन डीप यानी कि स्टॉक को गिनने देना है फाइव के आसपास पोजिशन बनानी है 519 का स्टॉप लॉस रहेगा 519 का स्टॉप लॉस फाइव फिफ्टी का टारगेट एक से तीन दिन में स्टॉक दिखा सकता है स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्री जिसमें अच्छी रैली आ सकती है लेकिन हल्का सा गिरावट में आप बाय करोगे तो अपना रिस्क थोड़ा मैच हो जाएगा तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक आईसीआई बैंक जिसको आप ब्रेकआउट स्टॉक भी बोल सकते हो तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में क्या हो सकता है आईसीआई बैंक स्टॉक का नाम है डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया रिजेक्शन मारा ऊपर गया रिजेक्शन मारा और यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ से रिजेक्शन मार के नीचे आता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार रिजेक्शन मार के नीचे आए मे में भी कल अच्छा बाइंग आ जाए तो इसमें भी अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है तो स्टॉक का सप्लाई जोन कितना है एक हजार निन्यानवे से लेके ग्यारह सौ तेरह का तो अभी आपको करना क्या है अभी कुछ नहीं करना सी एम पी ग्यारह सौ के आसपास चल रहा है तो लुक्स गुड अबो 1115 के ऊपर आपको बाय करना है यानी कि 1115 के ऊपर बाय करना है स्टॉप लॉस ऑफ 1098 जीरो नाइन एट यानी कि एक हजार अट्ठानवे का आपका स्टॉप लॉस होगा 1160 सौ साठ यानि की वन वन सिक्स जीरो का आपका स्टॉप लॉस होगा 1160 का आपका, आपका टारगेट ऊपर की साइड आएगा अप साइड में एक से तीन दिन में लेकिन वो कब आएगा जब स्टॉक 1115 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद ही वो लेवल आएगा वो आपको ध्यान में रखना है अपना ऐसे ऐसे बैंक में जिसको आप ब्रेकआउट स्टॉक बोल सकते हो जिसमें अच्छी रैली आ सकती है लेकिन कंडीशनल बाइंग है और गाइज मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसमें अच्छी रैली आ सकती है तो यहाँ पे क्या करना है स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो आईसीआई लोमबार स्टॉक का नाम है डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे आप देखोगे तो ये सीमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है तो अभी स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आएगी और आज देखोगे तो स्टॉक ऊपर से नीचे भी आया हुआ है अगर कल भी थोड़ा सा नीचे आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि ब्रेकआउट तो दे दिया है ब्रेकआउट कैंडल है तो उसका लो अपने स्टॉप लॉस बना देंगे तो अभी सी एम पी कितना है सोलह सो सत्तासी अट्ठासी के आसपास है तो अभी आपको बाय करना है अभी नहीं बाय करना है थो सा गिरने देना है सिक्सटीन हंड्रेड एटी के आसपास इसमें पोजिशन बनानी है विथ स्टॉप लॉस ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी का स्टॉपलॉस रहेगा सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी का टारगेट यानी कि 1750 का टारगेट लेकिन स्टॉक को गिरने देना है कल थोड़ा सा गिरेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फिर ये आप ट्रेनिंग का सपोर्ट भी मिलेगा फिर से स्टॉक ऊपर जा सकता है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा इससे भी नया हाई स्टॉक ऊपर की साइड मार सकता है क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट तो दे चुका है तो ऐसे स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए थोड़ा सा गिरावट में आप इसको पोजिशन बना सकते हो तो गाइज मैंने आपको टोटल चार स्टॉक बताया चारों स्टॉक बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है अगर स्टॉप लॉस होता है तो वहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ेगा बर्जर पेंट में पे कंडीशनल बाइंग है प्राज इंडस्ट्री को गिरावट पे बाय करना आईसीआई बैंक कंडीशनल बाइंग है और आईसीआई लोमबाड़ गिरावट पे बाय करना तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज थैंक यू वेरी मच प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करके जाना क्योंकि लाइक बहुत कम आती है इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता गाइज तो प्लीज वीडियो को लाइक करना थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर कल मिलते हैं नए वीडियो में बाय टेक केयर